शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय निर्माण दोनों की बोर्ड में खेलते हैं। और आज के बच्चों को देख के मुझे लगता है कि आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उनमें जो निर्माण बच्चों का वो कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और आपके जो भी बच्चे यहाँ शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो बिल्कुल सही आपको नहीं है, मुझे इसलिए कहते कोई भी डाउट या कोई भी इसमें झिझक महसूस नहीं हुई। मैम क्या नाम आपका? नेहा। नेहा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल के बारे में क्या? स्कूल अच्छा है, बच्चों को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, वेरी वेल। ऐसा एक्सपीरियंस है, कब से जुड़े हुए हैं स्कूल से? सॉरी, कब से जुड़े हुए हैं? लास्ट वन ईयर से। एक्सपीरियंस कैसा? अच्छा एक्सपीरियंस है। और लोगों से भी बात करेंगे हम। मैम क्या नाम आपका? गार्गी सहानी। अरे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग, वाओ। और स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है? स्कूल का एक्सपीरियंस भी अच्छा है मैम, टू इयर्स हो गए मेरे किड्स हैं अभी उसमें, इट्स गुड। हाँ गुड। आप क्या कहना चाहते हैं? गुड, बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, वेरी नाइस। कैसा लगा सर मैम? अच्छा प्रोग्राम था, बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी बच्चे ने जो हार्ड वर्किंग की थी उसकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते? मैम स्कूल काफ़ी अच्छा है, स्कूल ग्रोइंग है, बच्चों की स्टडी वगैरह और जो डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन है। और मैं अगर रिकमेंड करूँगा कि पेरेंट्स को कि काफ़ी अच्छा स्कूल है, न्यू एडमिशन के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? जी सर क्या नाम? राज थरेजा। कैसा लगा सर? मैम बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। मैम बेस्ट स्कूल है, मेरे दो बेबी है दोनों इसी स्कूल में है। हाँ जी। और मैम नेक्स्ट मतलब अभी जो मतलब अभी पहला ईयर है इन बच्चों को, अभी सेकंड ईयर अब बच्चों का होगा, ये इसी स्कूल में पढ़ा। हाँ जी ये भी है। और कैसा लगता है स्कूल में? बहुत अच्छा लगता है, इस स्कूल में अच्छा लगता है क्योंकि लास्ट में जब हम लोग बस में जाते हैं मज़ा भी आता है, फ्रेंड भी बनते हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं हमारे। स्कूल में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्या नाम आपका? राघव थरेजा। राघव जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड बी में। एंजॉय करते हो स्कूल में? अभी प्रोग्राम कैसा लगा? क्या प्रोग्राम कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी। मैम क्या नाम? मैम शिखा। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? मैम स्कूल सो गुड, गुड। आप इसी स्कूल पढ़ते हो? मैम अच्छा। टीचर्स अच्छे हैं? सबसे अच्छी मैम कौन सी लगती है? मैम क्या पढ़ाती हैं? साइंस। साइंस पढ़ाती हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में पढ़ते हो, भावना मैम अच्छी लगती हैं, आप देख सकते हैं। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर स्कूल के बारे? वंडरफुल टीचर्स, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत काफी अच्छा है। अभी प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हाँ अच्छा लगा। कितने स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10? 10। 10 आउट ऑफ 10। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 मैम। 10 आउट ऑफ 10। हमारे साथ अर्चना जी हैं, शौर्य है, और शौर्य ने कुछ खास अचीव किया है। अर्चना जी क्या अचीव किया है शौर्य ने? सबसे पहले सबको नमस्कार। और शौर्य यहाँ पे MWS में ग्रेड 4A का स्टूडेंट है एंड ही हैज़ जस्ट क्लियर्ड गुरुकुल एंट्रेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वाज विथ MWS सिंस चाइल्डहुड एंड ही वाज वेरी सुपर्ब। एज अ मदर आई एम सेइंग दैट आई वाज प्राउड टू सी हिम परफॉर्मिंग सो कॉन्फिडेंटली एंड येट विद अ वेरी क्यूट childish smile and very confident that yes I am correct. So the base that has been given here, it's very good and yes he has just cleared the entrance of Gurukul Kurukshetra. We are really proud of him. Kaisa lag raha hai Shaurya Gurukul ka entrance clear karke? Main bahut khush hu bhai. Ab entrance clear ho gaya, ghar se bahar jana padega to kuch man mein nahi aa raha, kaisa lag raha hai? Mujhe to sabse zyada doston ki yaad aayegi. Mamma papa ki nahi aayegi? नहीं। टीचर्स की? और टीचर्स की? टीचर्स सेकंड। बच्चे सच्चे होते हैं और आप देखिए मम्मा साथ में खड़ी हुई है, फिर भी एक बच्चा सच्चे मन से कह रहा है मुझे दोस्तों की ज़्यादा याद आएगी अपनी मम्मा से। और इसीलिए कहा जाता है जो बचपन होता है प्योर हार्ट होता है बच्चे का, और जो उसके बाहर होता है वही उसके अंदर होता है। क्या नाम सर आपका? हाय, मेरा नाम अजय सिंघल है और मैं सेक्टर 85 में रहता हूँ। कैसा लगा यहाँ प्रोग्राम?
ये प्रोग्राम वाकई बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम अदर स्कूल में मैंने इतने बड़े लेवल पे अभी तक नहीं देखा है। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दोनों किड्स यहाँ पर हैं। नव्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नव्या इज़ इन थर्ड क्लास एंड हिमांशी इज़ इन फर्स्ट क्लास। और आज नव्या की परफॉर्मेंस थी, वेरी हैप्पी विद द स्कूल, टीचर्स ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना कुछ सिखाया है। और मतलब कभी भी सोचता भी हूँ ना कि मैं स्कूल चेंज कर लूँ, नहीं समझ में आता। सिर्फ बड़े बड़े बच्चों की परफॉर्मेंस जब होती है तो उसमें बच्चों की मेहनत होती है, लेकिन जब हम देखते हैं इतने छोटे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स का उसमें रोल ज़्यादा हो। करेक्ट, डेफिनेटली। आज अगर बात की जाए, मैं ये समझता हूँ कि मैं ना फिफ्थ क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड के बच्चों को समझा सकता हूँ अपने घर में, लेकिन मैं नर्सरी के बच्चों को नहीं समझा सकता। एंड हेड्स ऑफ द टीचर जो एक क्लास में 25 बच्चों को एक साथ समझा सकते हैं, सब बच्चे पास होते हैं, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा भी सेम कहना है, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड ही हैं, तो हाँ हाँ जी। तो बट स्कूल बहुत ही अच्छा है एंड स्टडी बहुत अच्छी है, हमारे बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, तो उस हिसाब से ना तो बच्चे का माइंड भी उतने अच्छे से डेवलप होता है। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ही, मेरी बड़ी वाली गुड़िया तो बहुत ही शार्प है स्टडी में, एंड छोटी वाली की भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी है स्कूल के अंदर। पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, निकल कर आ रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम सर आपका? अभिषेक आहूजा। अभिषेक जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा है इस बार इन लोगों ने। हर बार स्कूल में करते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लर्निंग और एक्सपेरिमेंट के साथ इन लोग बेसिकली बच्चों को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। आई एम हैप्पी पेरेंट, इट्स बीइंग 2 ईयर्स माय डॉटर इज स्टडिंग, प्लानिंग टू कंटिन्यू। कैसा लगता है स्कूल? अच्छा लगता है। टीचर्स अच्छे लगते हैं? Yes. कौन सी टीचर फेवरेट? हिंदी वाली मैम। क्या नाम है? बबीता। बबीता मैम हिंदी वाली मैम फेवरेट हैं। कैसा लगा प्रोग्राम मैम? प्रोग्राम वाज वेरी गुड। नो। और बच्चों दी किड्स दैट परफॉर्म, दे परफॉर्म वेरी वेल एंड दे वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल क्रेडिट गॉड गोज टू टीचर्स, दे जस्ट फोकस ऑन द किड्स एंड गेट द टैलेंट आउट ऑफ द किड्स, सो आई रियली अप्रिशिएट एफर्ट दैट द टीचर्स पुट इनटू द किड्स। एंड माय 8-year-old daughter is in this school. She is in a 4th standard and she'll be promoted in 5th this year. So all the things are very good in this school. The extracurricular activities are there. Kids are enjoying those things. So I really thanks to Millennium World School for all these things and thanks for organizing such a wonderful event. तो देखा फरीदाबाद आपने, जो parents हैं कहीं ना कहीं satisfied हैं school से। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ।